दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे समीप या सोते समय सिरहाने के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित स्थिति में होता है और ऐसी अवस्था में हमारे शरीर के पंचतत्व हमारे लिए कार्य करते हैं। और इस समय अगर हमारे सिरहाने के करीब कुछ ऐसी चीजें रखी हों जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो रहा हो, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे जीवन और शरीर दोनों पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए सोते वक्त यह चीजें सिरहाने के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। दोस्तों पहले हम यह जानते हैं कि अपने सिरहाने के पास कौन सी चीजें रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको सोते समय नींद आने में ज्यादा तकलीफें आती हैं, तो इसके उपाय के लिए कपूर के कुछ टुकड़ों को रुमाल में बांधकर अपने पास रख लें और इस कपूर की खुशबू को रही है, क्योंकि कपूर सकारात्मक ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और कपूर की सुगंध से मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों अगर सोते वक्त आपको बुरे सपने या बुरे ख्याल ज्यादा आते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी की बुरी नजर लगी हो। इससे बचाव के लिए साबुत चावल को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर तकिए के नीचे रख दें, क्योंकि साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके समीप बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों जिस कमरे में हम सोते हैं वहाँ पर शुद्धता और शांति का वातावरण का होना आवश्यक होता है, इसलिए अपने कमरे में बिस्तर के पास मोर पंख को जरूर लगाएं, क्योंकि मोर पंख लगाने से सकारात्मक विचार आने लगते हैं और इससे नकारात्मक और बुरी ऊर्जाएं हमारे पास में नहीं आती। तो दोस्तों इन चीजों को सोते समय अपने सिरहाने के पास अवश्य रखें। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें सोते समय अपने सिरहाने के पास बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो पहली चीज है मैले कपड़े। दोस्तों बहुत लोगों की यह आदत होती है कि रात में कपड़े बदलने के बाद मैले कपड़ों को अपने बिस्तर के पास रखकर ही सो जाते हैं और मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि होती है। यही वजह है कि पूजा में या किसी शुभ कार्य में मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अपने बिस्तर के पास भूल कर भी मैले कपड़ों को न रखें। दोस्तों हर कोई जूते चप्पल मोजे और रुमाल इन चीजों का इस्तेमाल रोज करता है और इन सभी चीजों का इस्तेमाल पूरे दिन के वक्त कीजिए, लेकिन रात्रि में सोने के समय इन चीजों को स्वयं से और अपने बिस्तर से दूर रखें, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सभी चीजें हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं तो आपको वास्तु दोष लगता है, क्योंकि हमारे जूते चप्पल कितनी अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां से अलग अलग किस्म की ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर घर में आते हैं। यही वजह है कि इन जूते चप्पलों को घर के बाहर ही रखना उचित होता है, लेकिन अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो भूल कर भी बिस्तर के पास ना रखें। कुमकुम, हल्दी, तेल, नमक और सूखी तुलसी के पत्ते, यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपने सिरहाने पर रख देते हैं तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह चीजें पूजा की विधियों के साथ साथ नजर उतारने के काम में भी आती हैं। इसलिए रात्रि के समय में इन सभी वस्तुओं के उपयोग को हानिकारक माना गया है। ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी चीजें आपके पास रात्रि में भूल कर भी ना रहें। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में किताबें पढ़कर सोने की आदत होती है और किताबें पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है, और कई सारे स्टूडेंट भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमें अपनी किताबों को कभी भी बिस्तर पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का वास माना जाता है और बिस्तर पर सोते समय हमारे पैर कभी भी इन किताबों पर पड़ सकते हैं और ऐसा होने पर माँ सरस्वती का अपमान होता है। इसलिए इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यह है चीजें जो रात्रि में सोते समय आपके बिस्तर और सिरहाने के पास नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।